मध्य प्रदेश का विकास तेज हो सके, इसके लिए मुझे यहां भी स्पीड ब्रेकर नहीं चाहिए, ब्रेक लगाने वाले नहीं चाहिए, रिवर्स गियर लगा के बैठे हुए लोग नहीं चाहिए। मुझे तेज तर्रार भाजपा की सरकार चाहिए ताकि मैं अपने सपने पूरे कर सकूं। एक इंजन केंद्र सरकार का, एक इंजन राज्य सरकार का, मिलकर राज्य के विकास को डबल ताकत दे रहे हैं और तभी डबल तेजी से विकास होता है। वरना जहां कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार बनती है वहां क्या हाल होते हैं आज आप देश भर में देखिए, जहां उनको मौका मिला है क्या बर्बादी करके रखी है। कांग्रेस की सरकारें सिर्फ झगड़े में उलझी रहती हैं, जनता के लिए उनके पास समय ही नहीं होता है, गोटी बिठाते रहते हैं। अब राजस्थान में 4.5 साल कांग्रेस ने, आप देख लीजिए, अखबार निकाल के देख लीजिए, 4.5 साल पूर्ण बहुमत मिला था, 2400 घंटे उसने उसको काटा, उसने उसको काटा, वो उसको गिराएगा, वो उसको, इसी में खेल चलता रहा, लड़ाई लड़ते रहे, दो गुट लड़ाई लड़ रहे। अभी कर्नाटका देखिए, अभी 6 महीने हुए हैं, 6 महीने के भीतर भीतर क्या हो रहा है, वहां के मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि वो कब तक सीएम रहेगा। हर दिन खबर आती है, अब वो बनने वाला है, फिर आता है नहीं वो नहीं वो बनने वाला है, और हर कोई सीएम बनने के दावे ठोकते रहते हैं। कर्नाटका में विकास ठप है, जनता परेशान है। यहां एमपी में तो अभी अभी टिकट बटे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, कपड़े फाड़ कंपटीशन है, नेता एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं और औरों के भी कह रहे हैं तुम उसके कपड़े फाड़ो, वो कहते हैं तुम उसको कपड़े फाड़ो। ये कांग्रेस का चरित्र है। कांग्रेस में एक नेता को दूसरे से लड़ाया जाता है ताकि यहां आप लड़ते रहो और दिल्ली वाले न्यायाधीश बन करके नामदार अपनी दुकान चलाते रहे। साथियों, कांग्रेस सिर्फ अपने नेताओं के स्वार्थ पर ही टिकी है। जहां जहां कांग्रेस आती है वहां सत्ता का अहंकार, अपराध की बोलबाला, अनाप शनाप, लूट, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, माफिया राज, यही उनकी पहचान, यही सब कुछ फलता फूलता है। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि भारत में कोई सरेआम गला रेत कर गर्व से जश्न मनाएगा, सोचा था कभी आपने? लेकिन यह कांग्रेस शासित राजस्थान में हुआ है, इसलिए मध्य प्रदेश को दूसरे राज्यों के अनुभवों से सबक लेते हुए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। मेरे परिवारजनों, ये वो पावन धरा है जहां आचार्य शंकर को गोविंद भगवत पाद के रूप में गुरु की प्राप्ति हुई थी। हमारे ऋषियों मुनियों ने भारत के लिए तब बहुत तप किया था, उन्होंने देश के अलग अलग कोनों को आपस में जोड़ा था। लेकिन आज कांग्रेस क्या कर रही है? सत्ता की भूखी कांग्रेस आज समाज को बांटने के लिए साजिशें रच रही है, भ्रम फैला रही है, झूठ बोल रही है। कांग्रेस लोगों को बांटकर वोट की फसल काटना चाहती है। मध्य प्रदेश के लोगों को, मध्य प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए
हमेशा हमारे के लिए ये तोड़ने वाली बांटने वाली विचार को जमीन दोस्त कर देना है दोस्तों। कांग्रेस को कहीं खड़े नहीं होने देना है। कांग्रेस को रोकने के लिए मध्य प्रदेश के लोगों का एकजुट रहना बहुत जरूरी है। साथियों, भाजपा सबका साथ सबका विकास के मंत्र को लेकर के चल रही है। भाजपा सरकार के हर योजना का लाभ गरीब को बिना किसी भेदभाव के मिलता है। मोदी के लिए इस देश में गरीब ही सबसे बड़ी जाति है। हमारी सरकार के लिए गरीब कल्याण सबसे बड़ी प्राथमिकता है।